हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग घर आ चुके हैं, 2 दिन हो गया घर आए हुए। और सैनू का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या तोड़ने के लिए आ गए। धनिया पत्ता कहाँ है? धनिया पत्ता हटूता, ये मूला है ना, मूली। ये हाँ खाएंगे ना, धनिया पत्ता तोड़ते हैं। सब आलू का पेड़ है, लंबा लंबा। आलू का साग नहीं होगा? ए जा रहे हैं धनिया पत्ता तोड़ने। ये हम लोग का है, सारे में मूली लगी हुई है, उधर राई का साग है, बीच में बंदा गोभी की गोभी है। हाँ बंदा गोभी है, गोभी भी है। ये लहसुन सब कैसा हो गया है? कई सब छोटा छोटा हो गया है, बड़ा बड़ा तजगर नहीं हुआ है। उधर सब कितना साग सब कितना अच्छा गया। आलू का, आलू का साग खाने का मन करता है। चलो धनिया पत्ता तोड़ते हैं। ये पत्ता सब नहीं, ऐसे जड़ सब, या जड़ सब ऐसे ऐसे। सब स्कूल से पहुंचा के ही आ गए बच्चा को। मैं भी जाइए रहा हूं। गलती से नहीं, बार का पता था तो ना, बार का 500 का तोड़ लो ना। जानी नानी मम्मी सामने तो रे बोल रही है। जाओ 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 ना ता आले आ कोना से ना जाओ ना जल्दी। इस पेड़ से मैं कदारी प्रकार का पता है तो नहीं कदारी। हाँ 1-1 करके पता तो रे बेटा, पत्ता पे पत्ता तो बरका पत्ता खाली बंद करो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल, और आते ही 2-3 दिन के बाद का ये वीडियो है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसी के लिए मैं डॉक्टर के यहाँ आई थी। बहुत दिन से इनको भी बोल रही थी, घूमने फिरने गई थी तो उसमें ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसमें ऐसा है कि मेरे कंधे पे पेन था पहले से ही, तो उतना पता पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जब घूमने गई थी ना तो डुगू को ली थी, सामान सब थोड़ा ली थी, था सामान हल्का हल्का ही, पर डुगू को लेना पड़ा था ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसी की वजह से पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था, बहुत ही ज़्यादा। मुझसे हाथ घुमाया भी नहीं जा रहा था, तो इसी की वजह से मैंने बोला चलिए थोड़ा सा एक्सरे भी हो जाएगा और डॉक्टर से देख भी लेंगे क्या है। तो मेरा एक्सरे हुआ तो पता चला वहाँ पे सूजन आ गई थी कंधे पे, थोड़ा सा फूल गया था अंदर से, बहुत ही पेन में थी, बहुत दर्द हो रहा था, कुछ भी नहीं किया जा रहा था। वो संजोग से लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड में नहीं था, लेकिन डॉक्टर को दिखा के बहुत ही आराम मिला, सुकून भी मिला, क्योंकि जब डॉक्टर को दिखाते हैं ना तो मन को एक सुकून भी मिल जाता है। था ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सूजन आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन तो छुट्टी का दिन, और सभी लोग अभी आज नहाए सुनाए हैं। मैं तो रोज़ ही नहाती हूँ, सभी लोग मतलब डुगू सामी सबको मैंने नहा दिया, सभी अभी खा पी लिए और आई हूँ छत पे धूप थोड़ा सेकने के लिए। भी कोई काम नहीं किया नीचे के, सीधे खा के डायरेक्ट आई हूँ। अभी बज रहे हैं 12, और सामी तो गई है नीचे खेलने के लिए, भी अपने फ्रेंड सबके साथ नीचे है घर पे खेल रहा है बॉल से। डुगू आओ नहा लिया? डुगू आज नहाई कर लिया है, आओ। बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा ही धूप है यहाँ पे। बस 10 मिनट रहूँगी फिर चले जाऊँगी नीचे, क्योंकि बहुत धूप है और छाई में आ जाती हूँ, धूप लग रहा है। और मैं गई थी, जैसे आप लोगों को पता है, डॉक्टर के यहाँ ये चेक कराने के लिए। यहाँ पे मेरा पेन था पहले से,
था 3 महीना से ही था, पहले से पहले कम था, लेकिन जब घूमने गई थी ना तो डुगू को ली, थोड़ा सामान सब ली, तो इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होने लगा था। कुछ भी नहीं किया जा रहा था इस हाथ से, तो गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ पे एक्सरे हुआ, एक्सरे करके फिर वहाँ पे दवाई ववाई सब दिए हैं, बाम सब दिए हैं, तो थोड़ा सा दर्द के लिए इतना सारा डॉक्टर दवाई लिख दिए थे। अब खा खा के मैं परेशान हो गई हूँ, इतना सारा 5 रंग का दवाई लिख दिए हैं सिर्फ एक ही थोड़ा सा के लिए। अभी तो आराम है, बहुत आराम है, 3 ही दवाई खाई थी, आराम है। अब पता नहीं बाम की, बाम भी दिया था, बाम भी अच्छा काम करता है, तो अभी तो बहुत ही आराम है। अब तो बहुत ज़्यादा ही, तो कुछ भी नहीं कर पाती थी पहले। और आज का सीन देखिए कितना अच्छा, सन्नी डे है, देखिए पूरा एकदम फ्रेश फ्रेश है। सुबह में कुहासा रहता है, अभी पूरा फ्रेश है। और काम उम चल रहे हैं यहाँ पे, और हमारा डुगू खेल रहा है, डुगू डुगू। और हमारी अभी लेट मॉर्निंग ही होती है, 7 बजे ही होती है, लेट मॉर्निंग ही होती है, तो वहाँ खेल रहे हैं। देखिए यहाँ आसान भी है, बच्चे सब देखिए। और देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे, देखिए पहाड़ पे कैसे टावर सब बन रहे हैं, सब यहीं से, इसी ऑफिस से बन रहा है। मेरे हस्बैंड ही बनवा रहे हैं। एक तो यहाँ पे बड़ा टावर आपने देखा ही होगा, और वो देखिए वो दोनों टावर ऊपर में, ये दोनों नया बना है, इसी ऑफिस से बना है, ये भी टावर बना है देखिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ भी काम हो रहा है, देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी काम हो रहा है। और मैं एक और आपको दिखाती हूँ, वहाँ देखिए, उधर मैं आपको देख रही हूँ, देखिए बीच में केला के पत्ता के पास ऐसे खड्डा खड्डा है, वहाँ भी टावर बनने वाला है। तो देखिए पहाड़ पे कैसे बनते हैं टावर, तुरंत ही टावर बन गए थे, मैं जब तक घूम के था तब टावर बन चुके हुए थे, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे मैदान सूख गए हैं, यहाँ पे जला दिया गया, वो जो उछले उछले थे ना कितने सुंदर लग रहे थे, सब वैसे घास की तरह हो गए थे उस साइड है, तो इसी के लिए यहाँ पे काट के और जला दिया गया है। यहाँ सब काम उम होते हैं, यहाँ पे देखिए सारे इसको क्या बोलेंगे, इसमें रिंग सब बनता है, घर सब बनाने के लिए जो होता है वो सब बनता है। उधर उसके बगल में लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर सब बनता है इसके बगल में वहाँ पे। बस ये भी वही एरिया है, ये हाईवे है, तो इसी के लिए उतना बाजार एरिया नहीं है, सब हाईवे है। देखिए वहाँ पे बस अब चल रहे होंगे, दिखाती हूँ आपको, उधर अभी नहीं दिख रहा, उधर सब बस सब चल रहे हैं, हाईवे है सब, अभी एरिया सब बस ही रहा है, नया बस्ती है, उन लोग का हाईवे पे है, घर में नहीं, मतलब बाजार साइड में नहीं है। और यहाँ सभी देखिए कितना सारा टावर सब बन गया है, मैं आई थी तो इतना सारा नहीं था, कितना सारा टावर बन गया है यहाँ पे, यहाँ पे सब काम हो रहे हैं। अभी जब मैं शुरू में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, पूरे जंगल था, पूरे जंगल, अब इतने सारे चीज़ बन गए हैं यहाँ पे, बन रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का हो भी गया यहाँ पे 4 साल, डुगू भी यहीं पे हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा से हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ सब कुछ की सुविधा दी गई है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, तो उसी को जैसे यहाँ पे कुछ की कमी महसूस नहीं होती है। और यहाँ भी सबसे अच्छा मुझको यहीं पे लगता है, यहाँ सब कुछ सुविधा और फैल है, बच्चे सबके खेलने के लिए भी है नीचे में इतना सारा, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आजकल खेलने के लिए कहाँ मिलता है, बस रूम सभी तो रहता है, रूम सब में बस बच्चे को रहो वो हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब कुछ की सुविधा दी गई है। और यहाँ पे हम लोग अपने घर में नहीं रहते, हम लोग यहाँ पे क्वार्टर में रहते हैं, जब तक ये काम करेंगे तब तक, तो उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ रहूँगी। अभी मैं बाल सीटने के लिए छत पर आई थी, खा के बाल भी नहीं सीटी थी, तो वही छत पर आई थी।